हेलो एवरीवन, दिस में मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम द सुनामी लेसन के समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एज द नेम सजेस्ट, सुनामी हम सभी को पता है कि नेचुरल कैलमिटी है। ये एक नेचुरल, आप इसको कैलमिटी यानी कि डिजास्टर कह सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सो इंट्रोडक्शन, this part gives us some important and inspiring incidents. So introduction part में बहुत ज्यादा कुछ important points है, कुछ inspiring incidents है। inspiring का मतलब होता है जो आपको inspire करते हैं, जो आपको motivate करते हैं, ऐसे कुछ incidents है। these occurred when tsunami hit some parts of India। और ये जो सारी घटनाएं हैं ये कब हुई? occur का मतलब होता है कोई भी घटना, घटने को हम occur बोलते हैं। जब सुनामी ने भारत के कुछ हिस्से को हिट किया। द स्टोरीज आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और जो सारी जो स्टोरीज है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से हैं। अनफॉर्चुनेट इग्नेसियस, अब हम यहाँ पे इग्नेसियस की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है जिसके साथ भाग्य काम नहीं करता है, जिसके साथ भाग्य नहीं साथ देता है। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्नेसियस। His wife woke him up at 6 a.m. तो जो पहली स्टोरी है वो इग्नेसियस के बारे में है, जो उसके वाइफ है, जो बीवी है, उसने उसको 6 बजे जगाया। Sensing an earthquake, उसको लगा कि जब एक भूकंप आया था, भूकंप के बाद उसने उसे जगाया 6 बजे। Ignatius put the television on the ground to save it from the quake. तो इग्नेसियस ने क्या किया, जो टेलीविजन था उसको उसने ग्राउंड पे रख दिया, जमीन पे रख दिया, ताकि वो भूकंप से ऊपर से नीचे ना गिर जाए। Then all the members of the family rushed out. तभी जो सारे family members थे वो बाहर भागे। Rushed out का मतलब भागना। When the tremor stopped, और जब tremor रुक गए, tremor का मतलब जो कंपन होता है भूकंप से, उसको हम tremor बोलते हैं। They saw the sea rising. फिर उन्होंने देखा जो सागर है, जो ocean है, समुद्र है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। This caused them confusion. और इससे उनको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। दे रैन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। फिर वो भागे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन भागे, उल्टी दिशा में भागे वो। हिज वाइफ वॉज स्वेप्ट अवे, जिसकी वाइफ थी शी वॉज स्वेप्ट अवे, वो पानी की लहरों के साथ बह गई। हर टू चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ हर फादर एंड ब्रदर वर ऑल्सो लॉस्ट। और उसके तो दो बच्चे थे, और जो उसके पापा थे, उसके वाइफ के जो पापा थे और उसके जो भाई थे, वो भी लॉस्ट हो चुके थे। दस इग्नेसियस लॉस्ट हिज वाइफ। और इग्नेसियस ने क्या क्या खोया, उसे अपनी वाइफ को खो दिया, दो बच्चों को खो दिया, अपने ससुर को खो दिया, और अपने ब्रदर इन लॉ को भी खो दिया उसने। सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड स्टोरी एवरीवन। ब्रेव संजीव, अब संजीव की हम कहानी सुनते हैं। ब्रेव का मतलब है साहसी। संजीव, संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन था। ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। तो उसने अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी जो बेबी डॉटर थी उसको वो बचाने में सक्षम हुआ, कामयाब हुआ। देन ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प, फिर उसने आवाजें सुनी मदद के लिए। दीज वर फ्रॉम जॉन्स वाइफ, और जो ये आवाजें थी वो जॉन की बीवी की आवाज थी। जॉन वॉज द गेस्ट हाउस कुक, जो जॉन गेस्ट हाउस में कुक का काम करता था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू सेव हर, तो संजीव है वो पानी में कूदा उसको बचाने के लिए, उसकी वाइफ को बचाने के लिए। दे बोथ वर स्वेप्ट अवे एंड ड्राउंड, और वो दोनों बह गए और डूब गए पानी में। नेक्स्ट इज फॉर्चुनेट मेघना। अब फॉर्चुनेट का मतलब होता है जब कोई भाग्य, किस्मत जब किसी का साथ देती है, उसको मतलब है फॉर्चुनेट। मेघना वॉज 13 years old, मेघना 13 साल की थी। शी वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 other people। वो अपनी माँ के साथ, जो उसके पेरेंट्स थे उसके साथ, और 77 यानी कि 77 लोग के साथ, जो अलग जो लोग थे उसके साथ, वो पानी के लहरों के साथ बह गई। शी हेल्ड ऑन टू अ वुडन डोर, और उसने एक लकड़ी का दरवाजा था उसको पकड़े रही। एंड केप्ट फ्लोटिंग ऑन इट फॉर 2 days, और उसी के ऊपर, जो लकड़ी का दरवाजा था उसके ऊपर वो बैठी रही 2 दिन तक, वो पानी में तैरती रही। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड सेड, और फिर फाइनली वो जब समुद्र किनारे आई, शोर पे आई, तो उसको बचा लिया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेजेडी ऑफ अलमास।
ट्रेजेडी हम बोलते हैं जब किसी के साथ बहुत ही कोई बुरी घटना घटती है तो हम उसे बोलते हैं ट्रेजेडी। अलमास वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, अलमास 10 साल का था। द फैमिली वॉज स्लीपिंग बट हर फादर हैड वोकन अप। तो फैमिली थी, फैमिली सो रही थी पर उसके जो पापा थे वो जग चुके थे। ही सॉ द वाटर रिसीडिंग आफ्टर द ट्रेमर्स, और उसके पापा ने देखा कि जो ट्रेमर्स था, जो कंपन थी भूकंप के बाद, उसके बाद जो पानी था वो पानी पीछे के साइड हटने लगा। ही न्यू इट वुड कम बैक विद ग्रेट फोर्स, और उसको पता था उनके पापा को कि जो पानी की जो लहरें जो पीछे जा रही हैं वो दोबारा से वापस आएंगी, और इस बार आएंगी तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट फोर्स के साथ आएंगी, बहुत ताकत के साथ आएंगी। ही वोक एवरीवन ट्राइंग टू रश टू अ सेफर प्लेस, उन्हें सभी को जगाया और वो एक सेफ जगह की तरफ भागे, सुरक्षित जगह की तरफ भागे। एज द रैन हिज फादर फेल डाउन, जैसे वो भागे तो उसके पापा गिर गए। अलमास फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और फिर जो उसके पापा थे वो बचाने के लिए भागे। देन केम अ बिग वेव एंड स्वेप्ट देम बोथ अवे, और फिर एक बड़ी सी लहर आई और उन दोनों को वो लेके चली गई। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे टू, और जो उसकी मम्मी थी और जो उसकी आंट्स थी वो भी पानी के साथ बह गए। दे वर स्वेप्ट अवे विद द ट्री दे वर होल्डिंग ऑन टू, और वो सब उस पेड़ के साथ बह गए जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ रखा था। द नेक्स्ट इज अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक बड़ा सा खंबा जिसको बोल सकते हैं आप लॉग। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तो अलमास ने देखा जो एक बड़ा सा लकड़ी है उसका एक लॉग है वो तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन ऑन टू इट, और वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके ऊपर वो बेहोश हो गई। शी वोक अप इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा, और फिर जब वो जगे तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल पाया, कमोटा में एक हॉस्पिटल वहां पे। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट, इंटेलिजेंट टिली, इंटेलिजेंट मतलब स्मार्ट। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, और जो स्टोरी है ये थाईलैंड से है। टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड फ्रॉम इंग्लैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो टिली की जो फैमिली है वो थाईलैंड में आए थे इंग्लैंड से क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। इट वॉज डिसंबर 26, और ये दिसंबर 26 था उस दिन। शी वॉज स्टैंडिंग विद हर फैमिली ऑन द बीच, और वो अपने फैमिली के साथ बीच पे खड़ी थी। टिली एंड हर मदर पेनी स्मिथ बोथ सॉ द वाटर स्वेलिंग, और दोनों ने देखा कि जो पानी है उसका लेवल बढ़ रहा है। स्वेलिंग का मतलब था बढ़ना। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एवरी मोमेंट, और जो बीच था वो हर मोमेंट में छोटा होता जा रहा था हर पल में, क्योंकि पानी बढ़ रहा था। दे सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म्स, उन्होंने देखा कि जो सी है, समुद्र है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टार्ट टू फॉर्म्स, झाग भी बन रहा था और पानी और आगे बढ़ रहा था बीच की साइड। टिली सॉ द सी मेकिंग वर्लपूल्स, और टिली ने देखा जो समुद्र से वर्लपूल बन रहा है। जो वर्लपूल होता है जब पानी में ऐसे शेप्स, गोल गोल जब शेप्स बनती है उसको बोलते हैं वर्लपूल्स। बैड साइंस, साइंस का मतलब होता है कोई भी, जब भी आपको कोई गलत सिग्नल मिलता है या फिर कोई भी ऐसा कोई साइन मिलता है जो कि बैड हो। टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय दीज साइंस, जो टिली की मम्मी थी वो जो उनको जो ये सिग्नल्स मिल रहे थे, साइन मिल रहे थे कि पानी बढ़ रहा है, वर्लपूल बन रहे हैं और वो बीच साइड बीच छोटी होती जा रही है, तो वो उसकी मम्मी अलार्म नहीं हुई, यानी कि सचेत नहीं हुई। टिली रिमेम्बर्ड द वीडियो दैट हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन इन द क्लास 2 वीक्स बिफोर, और टिल्लू को याद आया कि जो ज्योग्राफी टीचर थी उन्होंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो दिखाया था इसी तरह का कुछ। इट अकर्ड टू हर दैट दीज वर द श्योर साइंस ऑफ सुनामी, और फिर उसको याद आया, उसके दिमाग में याद आया कि भाई जो ये जो साइन है सुनामी का है, जो संकेत है सुनामी के हैं। शी स्क्रीम्ड एंड आस्क्ड हर फैमिली टू गो ऑफ द बीच, चिल्लाई और उसने अपने फैमिली को बोला कि बीच से जल्दी भागो। द मदर डिड नॉट सेंस एनीथिंग टेरिबल, और जो उसकी मम्मी थी उनको कुछ बेकार लगा नहीं। शी हाउएवर फेल्ट दैट हर डॉटर मस्ट बी राइट, तो उनको लगा कि उनकी जो डॉटर है वो पक्का सही बोल रही है। टिली द सेवियर, सेवियर का मतलब है जो व्यक्ति आपकी जान बचाता है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, तो टिली के पेरेंट्स थे उन्होंने उसको और उसकी बहन को स्विमिंग पूल, जो होटल में स्विमिंग पूल था वहां पे लेके गए। मैनी अदर्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुतों ने उनके साथ बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आफ्टर देम, उसके बाद मानो ऐसा लगे कि सारा जो समुद्र है उनके पीछे पीछे आ गया हो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और जो फैमिली थी होटल के तीसरे मंजिल पे जाके चले गए।
द बिल्डिंग विथस्टूड द फोर्स ऑफ द सुनामी, जो बिल्डिंग थी उसने सुनामी के जो सारा फोर्स था उसको झेल लिया. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड हैव बीन डेड, तो अगर वो बीच पे रहते तो वो अभी तक मर गए होते. द एनिमल सेंस, सेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को भाप लेना. सम पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेस अ सिक्स्थ सेंस, कुछ लोगों को लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके पास सिक्स सेंस होती है. इंसान के पास पांच सेंस होती है, जैसे स्मेल करना या फिर टच करना या फिर सुनना या फिर सूंघना. उसी तरह से जो एनिमल्स होती है उनके पास छठी सेंस होती है. सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल, सुनामी ने 1.5 लाख लोगों को मार दिया. बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड, पर कुछ कुछ ही एनिमल थे जो कि मरे. इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है, वहां पे 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे बट ओनली टू एनिमल्स डाइड. वहां पे जो 60 लोग थे वो पानी में बह गए, सिर्फ उनमें से दो एनिमल्स थे जो कि मारे पाए गए. इन द सेम पार्क पीपल हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रन अवे फ्रॉम द बीच, इसी पार्क में लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो 3 एलिफेंट्स थे वो बीच साइड से भाग गए. एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, यानी कि सुनामी हिट करने से पहले, जो 1 घंटे पहले हाथी क्या थे वहां से भाग गए. अ मैन ऑन द कोस्ट नियर गाल इन श्रीलंका हैड टू डॉग्स, और एक आदमी था जिसके पास दो कुत्ते थे, जो कि श्रीलंका में गैल जो एक एरिया है उसके कोस्ट पे रहता है, यानी कि सी शोर पे रहता था. ऑन दैट फैटल डे ऑफ सुनामी दे रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद द मास्टर, और उसी दिन वो जो दोनों कुत्ते थे, डॉग थे, उसने सुनामी वाले दिन बीच पे जाने से मना कर दिया. सो द मास्टर टू स्टेड बैक, और इसलिए जो उसका मास्टर था वो भी नहीं गया. दस द डॉग्स हैड सेव्ड हिज लाइफ ऑल्सो, और इसी तरह से उसने अपने मालिक की जान बचाई. तो हम कह सकते हैं कि यस, एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होते हैं. सो दिस वॉज दी समरी एवरीवन, डिफरेंट स्टोरीज, सम गुड स्टोरीज, सम बैड स्टोरीज. सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेसन, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन एवरीवन. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर लेसन लाइक दिस. चेक आउट अदर वीडियो लेसन बाय क्लिकिंग ऑन द वीडियो.